पुराण सप्तऋषि सर्ग 2700 पर तथा तो इसी बीच निश्चिंता से बैठे हुए राजा शेरनिंग ने गौतम स्वामी से पूछा, हे मिनिनाथ, विद्युत दृष्ट कौन था और उसका आचरण कैसा था? इस प्रकार पूछने पर गौतम स्वामी कहने लगे, नमियों के वंश में गगनवल्लभ नामक नगर में विद्युत दृष्ट नाम का विद्याधर हो गया, जो दोनों श्रेणियों का स्वामी था तथा अद्भुत पराक्रम से युक्त था। एक समय वह पश्चिम विजय क्षेत्र के संजय नामक मुनिराज को अपने यहाँ से उठा लाया और उन पर घोर उपसर्ग कराया। यह सुन राजा शनि ने कौतिक वश पूछा, हे नाथ, विद्युत दृष्ट ने संजय मुनि पर किस प्रकार उपसर्ग कराया, किस कारण उपसर्ग करवाया? इसके उत्तर में गर्दा भगवान संजय मुनि का पाप नाशक पुराण इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, इस जम्बूद्वीप के पश्चिम विजय क्षेत्र में गंध मालिनी नाम का एक देश है, उसमें वितिशोका नाम की नगरी है। उस नगरी में किसी समय वैजयंत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सर्वश्री नाम की रानी थी, ऐसी जनपति मानव शरीर को धारण करने वाली साक्षात लक्ष्मी हो। इन दोनों के संजयंत और जयंत नाम के दो उत्तम पुत्र थे। किसी समय विहार करते हुए शंभु तीर्थंकर वहाँ पहुँच आए। उनसे धर्म श्रवण कर पिता और दोनों पुत्र तीनों ने दीक्षा धारण कर ली। अपने पिथि पिहिताश्वर नामक आचार्य के साथ तीनों मुनि विहार करते थे। त्वरचे घातित कर्मों को नाश करने वाले वैजयंत मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान के उस समय जब चारों नकाय के देव मुनिराज वैजयंत की वंदना करे, तब धर्णेन्द्र को देख जयंत मुनि ने धर्णेन्द्र होने का निदान किया। इसके फलस्वरूप वे मरकर धर्णेन्द्र ही हो भी गए। किसी समय जयंत के बड़े भाई संजयंत मुनिराज अपनी वितिशोका नामक सुंदर नगरी की भीम दशक भयंकर शमशान में 7 दिन का प्रतिमा योग लेकर विराजमान थे। उसी समय विद्युत दश भद्रशाल वन में अपने स्त्रियों के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा कर नगरों की ओर लौट रहा था। अचानक उसकी दृष्टि संजयंत मुनिराज पर पड़ी। पूर्व ज्ञान के कारण कुपित होकर वह उन्हें उठा लाया और भरत क्षेत्र संबंधी विजयात पर्वत के दक्षिण भाग के समीप वरुण नाम पर पर्वत पर उन्हें ले गया। हरिद्वती, चंडवेगा, गजवती, कुसुमवती और सुवर्णवती इन 5 नदियों का जहाँ समागम हुआ है, वहाँ सायकाल के समय उन्हें रख दिया और प्रातःकाल उसने विद्याधर से यह कहकर चुभित कर दिया कि आज रात्रि को मैंने स्वप्न में एक महाकाय राक्षस देखा। वह राक्षस हम लोगों का क्षय करने वाला होगा, इसलिए हे विद्याधर, चलो शीघ्र उसे मार डाले। इस प्रकार विद्याधरों को प्रेरित कर उसने नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले विद्याधरों के साथ उन्हें मार डाला। मुनिराज संजयन भी अंतिम समय केवल ज्ञान प्राप्त कर श्री शीतलनाथ भगवान के शांतिदायक तीर्थ में निर्वाण को प्राप्त हुए। तदंतर उनके शरीर की पूजा के लिए जयंत का जीव धर्णेन्द्र आया, सो विद्युत दंड ने इस करतूत से बहुत ही रुष्ट हुआ। वह विद्युत दंड की समस्त विद्याओं को हर कर उसे मारने के लिए उद्यत हुआ ही था कि उसे मैं आदित्य नाम दिवाकर देव नामक लालतेन्द्र ने वहाँ कहा, हे धर्णेन्द्र फणेन्द्र, व्यर्थी जीव हिंसा न करो। इन शब्दों द्वारा उसे हिंसा से रोक दिया। तुम, मैं, यह विद्याधरों का राजा विद्युत और संजयन, इस प्रकार हम सब बैर बंद कर संसार में जिस तरह भटकते रहे हैं, वह मैं कहता हूँ, सो सुनो। शकट नाम का देश है, उस पर सिंहपुर नगर के किसी समय सिंहसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। सिंहसेन की कला और गुण रूपी आभूषण से सुशोभित राम दत्ता नाम की स्त्री थी तथा निपुणमती नाम की धाय थी, जो निपुण मनुष्यों में भी अतिशय निपुण थी। राजा का एक श्रीभूति नाम का पुरोहित था, जो अपने आप को सत्यवादी प्रकट करता था और लोगों में अलुप्त निर्लोप है इस प्रकार प्रसिद्ध था। उस ब्राह्मणी का नाम श्री दत्ता था। उसकी ब्राह्मणी का नाम श्री दत्ता था। श्रीभूति नगर की समस्त दिशाओं में भावंडा धरोहर रखने के लिए स्थान बनवाकर व्यापारी वर्ग को बहुत विश्वास पात्र बन गया था। उसी समय पद्मभूक नामक नगर में एक सुमित्रक नामक वणिक रहता था। किसी समय वह अपने 5 रत्न श्रीभूति पुरोहित के पास रखकर तृष्णावश जहाज द्वारा कहीं गया था। भाग्यवश उसका जहाज फट गया और लौटकर उसने पुरोहित से अपने रत्न मांगे, परंतु पाप नहीं कर सका। राजद्वार में उसने प्रार्थना की, परंतु पुरोहित को प्रमाण मानने वाले राजकर्मियों ने उसे तिरस्कृत कर भगा दिया। अंत में बदले की आशा से जिसका चित्र चल रहा था, ऐसा सुमित्रक वणिक राजमहल के समीप एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर प्रतिदिन यह कहकर रोते लगा कि महाराज सिंह सेन, दयावती, रामी, राम दत्ता और अन्य सज्जन पुरुष दयायुक्त हो, मेरी प्रार्थना सुने। मैंने अमुक मास और अपक्ष के अमुक दिन श्रीभूति पुरोहित को सत्यवाता से प्रभावित होकर उसके हाथ में इस प्रकार 5 रत्न रखे थे, परंतु इस समय वह अत्यंत लुप्त होकर मेरे रत्न देना नहीं चाहता। इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल समय रोक कर यथास्थान पर चला जाता। इस प्रकार उसे रोते रोते जब महीनों बीत गए, एक दिन प्रिय राम दत्ता ने रात्रि के समय राजा से कहा, राजन, ये बड़ा अन्याय है। लोक में बलवान और दुर्लभ सभी होते हैं, परंतु बलवानों के हाथ दुर्बल मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। इस बेचारे दुर्बल के रत्न अतिशय बलवान पुरोहित ने हड़प लिए हैं।
इसलिए हे प्रभु यदि इस पर आपको दया आती है इसको रत्न दिलवाए। राजा ने कहा प्रिय समुद्र में इसका जहाज फट गया था इसलिए निर्लज धनष्ट होने का अतिशय दुखी होकर पिशाच से आक्रांत हो गया है और उसी दशा में कुछ बकता रहता है। इस प्रकार राजा का उत्तर पाकर रामदत्त ने कहा हे राजन यह धन रूपी पिशाच से आक्रांत नहीं है क्योंकि यह प्रतिदिन एक ही बात कहता है, अतः इसकी परीक्षा की जाए। यह सुनकर राजा ने प्रातःकाल में एकांत में पुरोहित से पूछा परंतु वह द्रोही सर्वदा मेट गया सो ठीक ही है क्योंकि लोभी मनुष्य से में सत्यता कैसे हो सकती है। तदंतर राजा जुआ के छल से पुरोहित की परीक्षा करने के लिए उद्यत हुआ। रानी रामदत्ता ने जुआ खेलने के पूर्व ही किसी बहाने पुरोहित से स्टॉप करो से ही पुरोहित की परीक्षा करने के लिए उद्यत हुआ। रानी रामदत्ता ने जुआ खेलने के पूर्व ही किसी बहाने पुरोहित से पूछ लिया आज आपने रात्रि में क्या भोजन किया था। रानी रामदत्ता को आज्ञा पाकर निपुण मतिधाय ने जाके पुरोहित को स्त्री से रत्न मांगे और पहचान के लिए रात्रि की भोजन की बताई पर पुरोहित की रत्न ने स्त्री ने रत्न नहीं दिए। अब की बार जुआ में जीता हुआ जनेऊ ले जाकर निपुण मति ने पुरोहित से स्त्री की रत्न मांगे फिर भी उन्होंने वह प्राप्त नहीं कर सका सो ठीक है क्योंकि उसके लिए पति की आज्ञा वैसी ही थी। तीसरी बार पति के नाम से चिन्हित अंगूठी देख के पुरोहित ने स्त्री को वो रत्न दे दिए। उसी समय रानी रामदत्ता के अनुसार जुआ बंद कर दिया गया। यद्यपि राजा ने वणिक ने उन रत्नों को दूसरे रत्नों के साथ मिला दिया तथापि वणिक ने अपने ही रत्न पहचान कर उठा लिए और इस सच्चाई के कारण राजा से सम्मान को ही प्राप्त किया। दूसरों का धन हरण करने का प्रीति का अनुभव करने वाले पुरोहित का सब धन छीन लिया गया था, उसे गोबर खिलाया गया, उसे मल्लों के मुक्कों से पिटवाया गया जिससे वह मर गया। चूंकि वे धन के आसार से कलुषित होकर चित्त से मरा था इसलिए राजा के भंडार गृह में अगंधन नाम का सांप हुआ और अपनी दुष्टता के कारण राजा से सदा द्रोह करने लगा। शिवभूति पुरोहित के स्थान पर दम्मिल नामक दूसरा ब्राह्मण रखा गया परंतु वह भी मिथ्या दृष्टि था और प्रातः नहीं कहे गए कार्य को करने के लिए उद्यत रहता था। सुमित्र दत्त वधिक रत्न लेके अपने पद्मपुरम नगर में चला गया। यद्यपि वह जैन था जैन धर्म के स्वरूप को समझता था तथापि रानी रामदत्ता का पुत्र हूँ ऐसा उसने निदान बांध लिया था और इसकी इच्छा से वह खूब दान करने लगा। वणिक की स्त्री सुमति दत्त का जो सदा उसका विरोध रखती थी मरकर एक परिवत में व्याग्री हुई। एक दिन सुमति दत्त किसी मुनिराज की वंदना के लिए उसी पर्वत पर गया सो उस व्याग्री ने उसे खा लिया। मरकर वह रामदत्ता का पुत्र हुआ। यद्यपि वह अपने पुण्य बल से इंद्र हो सकता था किंतु निदान से द्वारा इंद्रत्व की उपेक्षा कर राजपुत्र ही हुआ। उसका सिंहचंद नाम रखा गया तथा वह रामदत्ता के स्नेह बंधन से युक्त इसलिए अतिशय प्यारा था। सिंहचंद्र के इंद्र के समान आभा वाला पूर्णचंद नाम का छोटा भाई हुआ। ये दोनों भाई पृथ्वी पर सूर्यचंद्रमा के समान प्रसिद्ध थे। एक समय राजा सिंहसेन कार्यवश भंडार में प्रविष्ट हुए सो वहाँ पूर्व बैरक के कारण पुरोहित के जीव अंगंधन नामक दुष्सांप ने उन्हें काट खाया। उसी समय गारुणिक विद्या का अच्छा जानकार गारुणदंत था उसने मंत्रों द्वारा अंगंधन की आदि को लेकर समस्त सर्पों को बुलाकर उससे कहा तुम लोगों में जो अपराधी सर्प है वे यहाँ ठहरे बाकी सब यथास्थान चले जाएं। गारुणदंत के ऐसा कहने पर राजा को काटने वाला अंगंधन सर्प रह गया बाकी सब चले गए। गारुणदंत ने उसे ललकारते हुए कहा कि अरे दुष्ट अपने द्वारा छोड़े हुए उसको शीघ्र खींच लो यदि खींचने की इच्छा नहीं है तो शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर। गरुणदत्त के इस प्रकार कहने पर अंगंधन सर्प ने क्रोध के कारण विष तो नहीं खींचा पर जलते अग्नि में प्रवेश कर मरण स्वीकार कर लिया। मरकर वह चमरी मृग हुआ। विष के वेग से मरकर राजा सल्ले के वन में हाथी हुआ और जिसे शिवभूति के स्थान पर रखा गया था वह धम्मिल मरकर उसी वन में वानर हुआ सो ठीक ही है क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों की गति और क्या हो सकती है। रामदत्ता के सिंहचंद और पूर्णचंद नामक दोनों नीति के एवं सामर्थवान क्रम से राजा युवराज बनकर समुदांत पदवी का पालन करने लगे। बोधनपुर नगर में जो राजा पूर्णचंद और रानी हिरण्यवती थे वे रानी रामदत्ता के माता पिता थे और वे दोनों ही जिन शासन की भावना से युक्त थे। एक बार रामदत्ता के पिता पूर्णचंद ने राम अहुभद्र मुनि की समीप दीक्षा ले अवधि ज्ञान प्राप्त किया और माता हिरण्यवती ने दत्तवती आरिका के समीप दीक्षा लेकर आरिका के अवध धारण करे। कदाचित रामदत्ता की माता हिरण्यवती आरिका ने अवधि ज्ञान पूर्णचंद मुनि से रामदत्ता का समाचार सुना और जाकर उसे संबोधित किया समझाया। माता के मुख का उपदेश सुनकर रामदत्ता संसार से भयभीत उठी जिससे उसने भी दीक्षा ले ली। हिरण्यवती ने रामदत्ता के पुत्र सिंहचंद्र को सभी समझाया जिससे उसने भी राहुभद्र गुरु के समीप दीक्षा ले ली। सिंहचंद्र के बाद प्रताप के द्वारा शत्रुओं का नम्रवत करने वाले युवराज पूर्णचंद्र सिंहासन पर आरूढ़ हो गए।
परंतु वे सम्यक दर्शनों वत से रहित होने के कारण रोगों में आसक्त हो गए। एक बार आरिका रामदत्ता ने अवधि ज्ञान से चांद के धारक सिंहचंद मुनि को नमस्कार किया और उनसे अपनी माता तथा अपने पुत्रों का पूर्व भाव पूछा। तो उसके उत्तर में मुनिचार कहने लगे कि इस भरत क्षेत्र के कौशल नाम के वर्धाधिक नाम का गांव था, उसमें मगरायण नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की ब्राह्मणी का नाम मधुरा था, जो नाम से ही मधुरा थी परंतु स्वभाव से ही मधुरा थी। उन दोनों की एक वारुणी नाम की पुत्री थी, जो तरुण मनुष्यों के लिए वारुणी मधुरा के समान मद उत्पन्न करने वाली थी। मगरायण मरकर साकेत नगर में राजा अतिबल और उसकी राजा श्रीमती के तुम्हारी माँ हिरण्यवती हुआ। उसकी मधुरा ब्राह्मणी तू रामदत्ता हुई है। वारुणी का जीव तेरा छोटा पूर्ण सिंहचंद्र हुआ है और वणिक सुमित दत्त का जीव मैं तेरा सिंहचंद्र नामक पुत्र हुआ हूँ। पिता सिंह सेन को श्रीभूति के जीव अंगंदन से अपने दस्त लिया था, इसलिए वे मर के हाथी हुए हैं। मैंने उन्हें हाथी के पर्याय में श्रावक का धर्म धारण कराया था। श्रीभूति पुरोहित का जीव सांप हुआ है, फिर चमरी मृग हुआ है। तदंतर चरम मृग के लिए आतुर होता हुआ वह मरकर रूखे पखों के धारण करने वाला दुष्ट कुकुट सर्प हुआ है। पिता का जीव जो हाथी हुआ था वह उपवास का व्रत लेकर शिथिल पड़ा हुआ था, सो उसका सब मत सूख गया था। उसी दशा में पुरोहित के जीव कुकुट सर्प ने उसे डस लिया है, जिससे वह अच्छे परिणामों से डरकर सहस्त्रार्थ स्वर्ग में गया। वहाँ वह श्रीपभ नाम के विमान में लक्ष्मी को धारण करने वाले श्रीधर नाम का देव हुआ है और इस समय धर्म के प्रभाव से भोगों से युक्त होकर अप्सराओं के साथ रमण कर रहा है। धम्मिल का जीव जो मरकट हुआ था उसे हाथी का घात करने वाले कुकुट सर्प को क्रोधवश मार डाला, जिससे वह मल का बालुका प्रभा नामक तीसरे नर्क में गया है। किसी श्रृंगाल दत्त नामक भील ने उस हाथी के दांत हड्डी और मोती कटे कर धर्मित्र सेठ को दे दी और धर्मित्र ने राजा पूर्णचंद्र के लिए समर्पित किए। राजा पूर्णचंद्र ने पाकर बहुत संतुष्ट हुआ। उसने दांतों की हड्डियों से सिंहासन बनवाया और मोतियों से बड़ा हार तैयार किया है। इस समय वह उसी सिंहासन में बैठता उसी हार को धारण करता है। अहो, मोहित प्राणियों के लिए संसार की उचितता देखो, जहाँ अन्य प्राणियों के अंग के समान पिता के अंग भी भोग के साधन हो जाते हैं। मुनि सिंहचंद्र के वचन सुनकर आरिका रामदत्ता ने जाकर प्रमाद में पूर्व पूर्णचंद्र को यह बताकर अच्छी तरह समझाया, जिससे वह दान पूजा तपशील और सम्यक अच्छी तरह पालन करके उसी सहस्त्रार्थ में वैड्यूर पर्व नामक विभाग में देव हुआ। रामदत्ता भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से स्थिर पर्याय को छोड़कर उसी सहस्त्रार्थ के प्रभंकर नामक विभाग में सूर्यप्रभ नाम का देव हुई और सेचंद मुनि भी अच्छी तरह चार आराधनाओं का धारण कर प्रीतिंकर नामक ग्रहवेग में अहमिंद्र हुए। रामदत्ता का जीव अब देव हुआ था, उसका सम्यक दर्शन छूट गया, इसलिए आयु पूर्ण होने पर वहाँ से च्युत हो वह विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जो धरण तिलक नामक नगर है वहाँ का राजा अति बल्कि सुलक्षणा नामक महादेवी के श्रीधरा नाम की पुत्री हुई। श्रीधरा अलका नवगिरी के स्वामी राजा सुदर्शन को दी गई और उसके पूर्णचंद का दीव जो वैदूर प्रभु विमान का स्वामी था वहाँ से चयकर यशोधरा नाम की पुत्री हुआ। यशोधरा उत्तरण श्रेणी पर स्थित प्रभाग के स्वामी राजा सूर्यात के लिए दी गई और राजा सिंहसेन का जीव जो श्रीधर देव हुआ वहाँ से चयकर रश्मि वेग नाम का पुत्र हुआ। तदनंतर जब राजा सूर्यावध मोक्ष की अभिलाषा से उस रश्मि वेग के पुत्र के लिए राज्य के मुनिचंद्र गुरु के समीप तप करने लगा, तब श्रीधरा और यशोधरा ने भी सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर गुणवती आरिका के पास दीक्षा ली। एक समय रश्मि वेग वंदना करने की इच्छा से सिंह सुर गया था, वहाँ हरिचंद मुनि के धर्म श्रवण का मुनि हो गया। एक दिन महामुनि रश्मि वेग कांचन उस नामक गुहा में स्वाध्याय करने विराजमान हुए थे कि श्रीधरा और यशोधरा नाम की आरिकाएं उनकी वंदना के लिए आई। श्रीभूति पुरोहित का जीव जो बालिका प्रभाव पृथ्वी में नारकी हुआ था वह चिरकाल से बाद आके वहाँ निकल कर संसार में परिभ्रमण कर उसी गुहा में अजगर हुआ था। उपसक आया देख मुनि रश्मि वेग कायोत्सक में स्थित हो गए और दोनों आरिकाओं ने भी सावधिक संन्यास ले लिया। विशाल उधर का वह धारक वह अजगर तीनों को निकल गया। रश्मि वेग मर के कमिष्ट स्वर्ग में उत्तम बुद्धि के धारक अकर प्रभ देव हुआ और दोनों आरिकाएं भी उसी स्वर्ग में रुचक विमान में देव हुई। जिसका हृदय रौद्र ध्यान से दूषित था ऐसा महाशत्रु अजगर पाप रूपी पंख से कलंकित होकर पंख प्रभाव पृथ्वी नामक चौथी पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। सिंहचंद्र का जीव जो प्रीतिंकर विमान का स्वामी था वहाँ से चित होकर चक्रपुण नामक हृदय के अपराजित और राजी सुंदरा के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। चक्रायुध की स्त्री चित्रामाला थी और उसने मुशनी रश्मि वेग का जीव रानी राम दत्ता का पति सिंह सेन का जीव अर्क प्रभ देव कपिश स्वर्ग से च्युत होकर वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ।
श्रीधरा आरिका का जीव जो कामेश्वर में देव हुआ था, वहां से चित्रों का पथित नगर में राजा प्रियंकर और अतिवेगा रानी की रत्नमाला नाम की पुत्री हुई। रत्नमाला वज्रायुध के लिए दी गई और उसकी आरिका यशोधरा का जीव जो कापिल स्वर्ग में देव हुआ था, वहां से चित्रों का पूर्व पुण्य के उदय से रत्नायुध नाम का पुत्र हुआ। चक्रायुध वज्रायुध और पुण्य के लिए राजवंश छोड़कर पितृहासवन मुनि के पाद मूल में तप करने लगा और अंत में निर्वाण को प्राप्त हुआ। राजा वज्रायुध ने भी राज्य का भार रत्नायुध पुत्र के लिए सौंप कर तप धारण किया, परंतु रत्नायुध राज्य के मध्य में उत्तम होकर मिथ्या दृष्टि हो गया। राजा रत्नायुध का एक मेघनाद नाम का मुख्य हस्ती था। जब वह जल वाहन के लिए गया तो बीच में मुनिराज का दर्शन होने से उसे जाति स्मरण हो गया, जिससे उसने पानी नहीं पिया। राजा रत्नायुध मेघनाद के इस कार्य को नहीं समझ सका, इसलिए उसने वज्रदत्त नामक मुनिराज से इसका कारण पूछा। उत्तर मुनिराज कहने लगे, इसी भरत क्षेत्र में त्रिकारपुर में प्रीतिभद्र नाम का राजा रहता है। उसकी सुंदरी नाम की स्त्री और दोनों के प्रीतंकर नाम का पुत्र था। राजा प्रीतिभद्र का एक चित्र बुद्धि नामक मंत्री था। मंत्री की स्त्री का नाम कमला था और दोनों के विचित्रमति नाम का नीति वेदा पुत्र था। राजपुत्र प्रीतिंकर और मंत्री मंत्र विचित्रमति को लेकर दोनों एक बार शुद्धागम मुनि से तप का फल सुना और दोनों ने ही युवावस्था में उसके चरणों के समीप रहकर तप करने लगे, जो देखने में बहुत सुंदर था और नाना प्रकार का तपस्या जिसके धन था। ऐसे दोनों मुनि एक समय सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन करते हुए साकेत नगर पहुंचे। साकेत नगर में एक बुद्धि सेना नाम की वेश्या बहुत सुंदरी थी। उसे देख के मंत्री पुत्र विचित्रमति कर्मोदय के कारण मुनिपद से भ्रष्ट हो गया और उसने निर्लज हो मुनिपद छोड़ दिया। विचित्रमति मुनिपद से भ्रष्ट हो गया, राजा गंधमित का रसोईया बन गया। वह मांस बनाने में अत्यंत निपुण था, इसलिए अपनी कला से राजा को पसंद कर उसके वर स्वरूप वेश्या प्राप्त कर ली, जिसकी आत्मा सब पापों से अवगत थी, जिसकी किसी पाप करने में संकोच नहीं था, जो मांस खाने का प्रेमी हो चुका था। ऐसा विचित्रमति उस वेश्या के साथ इच्छानुसार भोग कर मरा और मरकर सातवें नरक में गया। वहां से निकलकर इस संसार सागर में भटकता रहा। अब किस पाप विशेषक के कारण आपका हिंसाशील मदोन्मत हाथी हुआ। मुनिराज के दर्शन का योग पाकर यह जाति स्मरण को प्राप्त हुआ, इसलिए संसार में मंद रुचि होकर अपने कार्य की निंदा करता हुआ शांत हो गया। वज्रत मुनिराज ने उक्त वचन सुनकर वह मेघ निनाद हाथी और राजा रत्नायु दोनों ही मिथ्या रूपी कर्म छोड़कर श्रावक के वश से हो गए। श्रीभूति पुरोहित का जीव जो अक्षर प्रयास से पंख प्रभा पृथ्वी में गया था, वहां से निकलकर मंगी और दारुण नाम का भील बिलनी के नाम का और कार्य दोनों से ही अतिराधित पुत्र हुआ। भारत उसके पुत्र का नाम अतिराधारुण था और उसका काम भी अति दारुण अत्यंत कठोर था। एक दिन राजा सिंह सेन के जीव वज्रायुध महामुनि प्रियंगाखंड नाम के वन में अत्याचार से और उसी अंत दारुण भील ने उन्हें मार डाला। महामुनि मरकर सर्वात सिद्धि गौर वहाँ अति दारुण भील मरकर महादम प्रभा नामक सातवीं पृथ्वी में गया, जहाँ मुनिवत से उत्पन्न घोर दुख से उसे भोगना पड़ा। रत्नमाला मरकर श्रावक धर्म में प्रभाव से अच्युत स्वर्ग में देव हुई तथा रत्नायुध भी उसी स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। गातीखंड द्वीप के पूर्व के पश्चिम विदेह में गंदिला नाम का देश है। उसकी अयोध्या नगरी में राजा अहसास राज्य करते थे। उनकी सुव्रता और जिंदत्ता नाम की दो रानियां थीं। रत्नमाला और रत्नायुध के जीव जो अच्युत स्वर्ग में देव हुए थे, वहां से चित्त उन्हें दोनों रानियों के क्रम से वीत भय नामक बलभद्र और विभीषण नामक नारायण हुए। इनमें विभीषण तो आयु का अंत होने पर रत्नमाला नामक पहली पृथ्वी में उत्पन्न हुए और वीत भय अनिवत्ति मुनि के समीप तप कर आदित्याप नामक लालते वेंद्र हुआ। मैं वह लता मैं ही हूँ। मैं रत्नपरा पृथ्वी में जाकर विभीषण के जीव नाकी को अच्छी तरह समझाया। तदंतर इसी जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में जो गंधमाली नाम का देश है, उसमें विद्याधरों के मनोहर निवास से युक्त एक अतिशय शुद्ध विजयात पर्वत है। उसी विजयात पर्वत पर श्रीधर्म राजा और श्रीदत्ता नाम की नगरानी रहती है। विभीषण का जीव नारकी नरक से निकलकर इन्हीं दोनों के श्रीधाम नाम का पुत्र हुआ। यह श्रीधाम मुझे एक बार सुमेरी पर्वत पर मिला था, वहाँ पर भी इसे मैंने समझाया, जिससे अंतमति गुरु का शिष्य बनकर वह ब्रह्मलोक स्वर्ग में चंद्रा विमान का स्वामी देव हुआ। श्रीभूति का जीव जो पहले भील था, वह सातवीं पृथ्वी से निकलकर सर्प हुआ, फिर रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी में गया, फिर वहां से निकलकर तिरंचों के भ्रमण कर दुख भोगता रहा। तदनंतर भूतरमण नामक अठवीं में एरावत नदी के किनारे खम्बली नामक तापस की कनक केशा स्त्री से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मृग के समान था, मृगशृंग उसका नाम था। एक बार वह पंचांगनी तप तप रहा था कि उसी दृष्टि से स्वेच्छा से आकाश में विषण करते हुए चंद्राम नामक विद्याधर पर पड़ी।
विद्याधर को देखकर उसने विद्याधर होने का निदान किया और फलस्वरूप वह राजा वज्रदष्ट की रानी विद्युतरभा रानी के गर्भ से जिसका उत्तम विद्याओं से प्रकाश माना ऐसा यह विद्युतनष्ट नाम का पुत्र हुआ है। विद्या वज्रायुध का जीव सर्वात सिद्धि सचुत होकर संजयत हुआ और ब्रह्मलोक से चयकर जयंत का जीव तू धरणेन हुआ। देखो बैर की महिमा, राजा सिंह सेन ने श्रीभूति पुरोहित का एक जन्म में अपकार किया था, परंतु उसी अपकार से बैर बांधकर श्रीभूति का जीव अनेक जन्मों में सिंहसेन का वध किया। तीव्र बैर के क्रोध से वज्रपात श्रीभूति के जीव ने सिंहसेन को अनेक बार घात किया अवश्य, पर उससे उसको लाभ क्या हुआ, पृथ्वी यह कार अपने को ही सुख को नष्ट करने वाला हुआ। शिवसेन का जो जीव जब हाथी था तब जैन धर्म प्राप्त कर बैर रहित हो गया था और उसने फलस्वरूप पांचवें बैर में सज्जन पर्याय से मोक्ष चला गया, पर तू नागेंद्र होकर भी बैर को धारण कर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। हे धर्णेन्द्र, इस प्रकार बैर भाव को घोर को संसार का वर्धक जानकर तू छोड़, इन सब का जो मूल में मिथ्या दर्शन है उसका भी शीघ्र त्याग कर दे। इस प्रकार आदित्य देव को प्रबोध को प्राप्त हुए धर्णेन्द्र ने सब बैर भाव छोड़कर संसार सागर से पार कराने वाला सम्यक दर्शन धारण कर लिया। तदंतर विद्याओं के खंडित होने जाने से जो पंख कटे पक्षियों के समान खेत किनारे थे, ऐसे उन विद्याधरों ने धर्णेन्द्र से कहा, हे समस्त विद्याधरों, तुम सब शीघ्र ही इस पर्वत पर संजयन स्वामी की 500 धनुष ऊंची प्रतिमा स्थापित करो। उसी प्रतिमा के बाद मूल में उनकी सेवा करते हुए आज तुम लोगों को बहुत समय बाद बड़े कष्ट से विद्याएं सिद्ध होगी, अन्य प्रकार से नहीं। आज से विद्युष के वंश में केवल स्त्रियों की ही प्रगति रोहिणी और गौरी नाम की विद्याएं सिद्ध हो सकेंगी, पुरुषों को नहीं। इस प्रकार धर्णेन्द्र की आज्ञा से विद्याधरों ने नमस्कार पूर्वक स्वीकार किया और यथायोग्य विधि से अपनी विद्याएं प्राप्त की। यह सब होने के बाद देव यथास्थान चले गए। विद्याधरों ने धर्णेन्द्र की आज्ञा अनुसार उस पर्वत पर नाना उपकरणों से युक्त सुवर्ण रत्नों से निर्मित संजयन स्वामी की प्रतिमा स्थापित करी। विद्याओं के हरे जाने से लज्जित होकर नीचे मस्तक किए हुए विद्याधर चूंकि उस पर्वत पर बैठे थे इसलिए उस लोग उस पर्वत को हिमंत कहने लगे। मथुरा में विशाल लक्ष्मी का धारक रत्नवीर नाम का राजा रहता था। उसकी मेघमाला नाम की स्थिति थी। आदित्याब नाम का लालत्य उन्हीं दिनों के मेरु नाम का पुत्र हुआ। उसकी राजा रत्नवीर की दूसरी स्त्री अमित प्रभा थी। उसके धर्णेन्द्र का जीव चंद्रमा के समान सुंदर मकर नाम का पुत्र हुआ। तदंतर युवा होने पर दोनों ने इच्छानुसार कामभोग का उपयोग किया। उसके बाद दोनों ही श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र के शिष्य हो गए, दीक्षा लेके मुनि हो गए। उन्होंने उसमें मेरु पर्वत के समान निष्काम मेरु मुनिराज केवल ज्ञान रूपी संपत्ति को प्राप्त कर मोक्ष ले गए और मंदरगिरी की उपमा को धारण करने वाला मंदर मुनिराज श्रेयांसनाथ भगवान के गणधर हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भव्य जीव तीर्थंकर पद प्राप्त करना चाहते हैं और तीनों लोकों में अतिशय प्रसिद्ध संजयन स्वामी के इस चरित्र का उत्कट भक्ति भाव से अर्थ करें और उसी का अच्छी तरह स्मरण करें। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह में जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में संजयन पुराण का वर्णन करने वाला 27वां सर्ग समाप्त हुआ।